Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Namaskar vidyarthi mitro, aaj hum 9th standard mein lesson number 2 Nyay Mantri, jiske लेखक हैं श्री सुदर्शन जी, उस पाठ को हम पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का जो मूल एवं वास्तविक जो नाम है बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। टेक्स्ट बुक में जो है थोड़े प्रिंटिंग मिस्टेक गलती है, और पंजाब राज्य में ये सियालकोट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही ये अपनी कहानियां इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह। आपका एकमात्र, सुदर्शन जी का एकमात्र जो उपन्यास है वो है भागवंती। ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं सुदर्शन जी का, इस लेसन में, इस कहानी में सम्राट अशोक जो है सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय जो है न राजा देखता है और न रंग, न अमीर देखता है और न गरीब। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ जो है लेखक ने प्रयास किया। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व बच्चों को समझाया गया। न्याय जो है कैसा होना चाहिए, और न्याय करते समय न राजा देखा जाए और न ही रंग देखा जाए, ये कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन कुछ जो व्यंग्यकार हैं उनका अपना अपना मत है। जैसे कि उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आज की हमारी न्याय व्यवस्था पर कि अजीब है इस देश का कानून, जहां पाने के लिए लोग पैसा करते हैं बर्बाद, फिर भी न्याय नहीं मिलता उनके मरने के बाद। ऐसे ही श्री सुदर्शन जी ने मनोव्यथा, अंतर्द्वंद को दूर करने का प्रयास इस न्याय मंत्री कहानी से किया है। तो कहानी को थोड़ा हम देखते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। बाहर से आवाज आई, एक परदेशी। परदेशी जो शब्द है उसका अगर विरुद्धार्थी हम करें तो स्वदेशी होगा। एक परदेशी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य। सौभाग्य सदनसीब। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो गया। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। शिशुपाल ने भी यही कहा कि अतिथि, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। अतिथि जो शब्द है मेहमान, विरुद्धार्थी मेजबान। आइए पधारिए, अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार उन्होंने किया।
आदर शब्द जो है, आदर शब्द का विरुद्धार्थी अनादर। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशु पालने का आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, किसी की बुराइयां निकालना, किसी की बुराइयों को बताना, गलतियां निकालना तो सुगम है। सुगम का अर्थ होता है सरल, आसान, परंतु कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। कोई अपराध दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम, कठिन, सरल, आसान। न्याय जो है, सच्चा जो न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए एक शायर ने बहुत सुंदर दो पंक्तियां कही है कि माफी भी एक इंसाफ है, देश में बड़ी जरूरी है। माफी भी एक इंसाफ है, देश में बड़ी जरूरी है, बस मिलता उसे जो कीमत देता पूरी पूरी। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूं। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, अनुमति। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर को सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, भयभीत हो गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची जो शिकायत है वो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का जो कलेजा है वो धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट स्वयं अशोक, सम्राट जो है बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? ये बड़ी सुंदर पंक्तियां इसको अंडरलाइन हम विद्यार्थी करके रखेंगे। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतार दी, शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। राज मुद्रा था तो शासन की निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध, सुंदर प्रबंध, और इसका विरुद्धार्थी अगर करें तो कुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, उनकी वाह वाह। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार, पहरा देना, और अगर हम पहरेदार अगर कर देते हैं तो कर्तव्यवाचक हो जाता है, करने वाला। पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात उन्होंने एक कर दिया। अपराध, और अपराध का अगर हम अपराधी लेते हैं तो विशेषण हो जाता है, उसकी विशेषताएं बताता है। अपराधी कर्तवाचक भी बन जाता है, और अपराधी का अगर विरोध ही हम करें तो, विलोम करें तो निरपराधी।
बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, असंभव था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वह न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। सेवक, सेवा, सेवा का अगर हम अगर कर्तवाचक बनाएंगे तो सेवक होगा। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो मेरे सामने। न्याय मंत्री कुछ रुकर फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी जो है अपराधी के हाथों में जो लोहे की जंजीर बांधी जाती है उसे हथकड़ी कहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है जुर्म, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काटकर अपने रहे। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट अशोक ने कहा, हाँ मैंने उसे मारा अवश्य, पर वह उद्दंड, उद्दंड का अर्थ होता अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की, राज्य के कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा का अगर विद्यार्थी हम अगर बनाए, लोग बनाए तो कोलाहल शब्द होगा। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर वहां उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं खुद सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता, जो ईश्वर का रूप है उसे ईश्वर ही दंड दे सकता। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा जो है, राज्य का जो प्रतीक था, जो चिन्ह था, सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ऐसे निर्णय को दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं, या सच्चा न्याय है।